यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आम आदमी पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष नवीन जैखिंड ने बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो तीनों पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। जैखिंड ने मनोहर सरकार के 4 साल पूरे होने पर निशाना साधा है। प्रदेश सरकार ने 4 साल में हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया है, कहा गया उनकी ओर से। हरियाणा सरकार को सिरसा के थेहड़ मोहल्ले के निवासियों को थेहड़ से निकालने पर खरी खोटी सुनाई गई है। सरकार अदालत के नाम पर सिरसा के लोगों को गुमराह कर रखी है, ये आरोप लगाए गए हैं सरकार पर नवीन जैखिंड की ओर से। सरकार को लोगों की परेशानियों को सुनना चाहिए और समस्याओं को दूर करना चाहिए। साथ ही आम आदमी पार्टी इन लोगों के मामले को दोबारा से हाईकोर्ट में लेकर जाएगी। साथ ही कहा गया कि थेहड़ में तो सरकार को कुछ नहीं मिला, लेकिन सिरसा के नेताओं की कोठियों को देखे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो इनेलो पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा गया है, सिरसा की कोठियां ये शब्द इस तरह से इस्तेमाल करके। इसके अलावा थेहड़ में जो मकान खाली करवाए जा रखे हैं उसको लेकर भी निशाना साधा गया नवीन जैखिंड की ओर से इस मामले पर। जिस तरह से लोगों को उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है कोर्ट का नाम लेके, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोर्ट का, कोई भी देश के अंदर आज तक किसी भी कोर्ट ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं दिया है कि जिसमें लोगों को उजाड़ने की बात कही गई हो। बिना पुनर्वास के ऐसा नहीं होता है, और पुनर्वास भी पक्का होता है, उनके नाम डॉक्यूमेंट होता है। ऐसा नहीं है कहीं से भी आप उठाओ और उठा के कहीं पे भी डाल दो, 6 महीने के बाद फिर वो वहां से उनको निकाल दो।